गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। पलवल में कोरोना काल के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रेशम की डोरी बांधकर जहां लंबी उम्र की दुआ की, वहीं भाई भी बहनों की रक्षा करने के बंधन में बंध गए। भाइयों ने भी बहनों को शगुन के रूप में उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का भरोसा दिया। रक्षाबंधन के त्यौहार पर शहर के चारों ओर रौनक छाई रही। जिले में रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही बहनें स्नान कर नए कपड़े पहन भाइयों को राखी बांधने की तैयारी में जुट गईं। रक्षाबंधन को लेकर घरों में भी उत्सवी माहौल रहा। सुबह से ही राखी और मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त लगभग पूरे दिन रहा। मौसम ने भी पूरा साथ दिया। ज्यादा गर्मी ना होने से दोपहिया वाहनों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते नजर आए। कोरोना का प्रभाव रक्षाबंधन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। घरों और बाजारों में राखी के गीत बजते रहे और उल्लास के माहौल में लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन का एक बहुत अच्छा महत्व है और ये बहुत काफ़ी पुराने टाइम से ये रस्म चली आ रही है, जिसमें बहन दूर दूर से अपने भाई के घर आती है और उसके लिए मिठाइयाँ लाकर सुबह ही तैयार होकर बिना खाली पेट खाए उसको राखी बांधती है। भाई भी इस दिन वादा करता है कि बहन अच्छे से खुश रहे, वो उसकी रक्षा कर सके। बहन कलाई पे धागा बांधती है और भाई उसको ये वो करता है कि वो उसकी ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करेगा, जहाँ तक होगा वो उसकी सुरक्षित उसको सुरक्षा देगा। भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली सारा ने बताया कि इस बार कोरोना काल के बाद राखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है। वहीं सड़कों पर जाम की स्थिति पूरे दिन बनी रही। वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। लोग कई कई घंटों तक जाम में फंसे भी रहे, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।